यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हिंदू मुस्लिम कपल को पासपोर्ट ना मिलने के मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है। विवाद के बाद दोनों को नया पासपोर्ट जारी कर दिया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अनस सिद्दकी और उनकी पत्नी तन्वी सेठ ने इस बात की जानकारी दी है। आपको बता दें कि बीते रोज हिंदू मुस्लिम कपल का पासपोर्ट आवेदन लखनऊ पासपोर्ट ऑफिस में खारिज कर दिया गया था। अनस सिद्दकी और उनकी पत्नी तन्वी सेठ ने 2007 में शादी की थी और उन्होंने लखनऊ में पासपोर्ट के लिए आवेदन किया था। तन्वी का आरोप है कि पासपोर्ट ऑफिसर विकास मिश्रा ने उन्हें नाम बदलने को कहा और सिद्दकी को धर्म बदलने के लिए भी कहा गया। शिकायत करने के बाद एक दिन बाद संबंधित अधिकारी का तबादला कर दिया गया है। तो ये दो कपल हैं और यहां पर आपको बता दें कि पासपोर्ट न बनाने का मामला सामने आया है। हालांकि इन दोनों ने जब आवाज उठाई तो उस अधिकारी का तबादला कर दिया गया। आप लोग पासपोर्ट आवेदन के लिए आए और सी काउंटर में ग्रांटिंग ऑफिसर हमारे बैठते हैं, उन्होंने इनसे कुछ दस्तावेज मांगे जो अप्रोप्रिएट नहीं था, क्योंकि वो आवश्यक नहीं था कि वो दस्तावेज उनको मांगना चाहिए। उस संबंध में ही दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और वो विवाद हो गया, ऐसी मेरी सूचना मिली थी कल। और वो फिर एपीओ के पास गए, जो इंचार्ज है वहाँ बीएस राणा, उन्होंने इस प्रकरण को एस्केलेट करके यहाँ आरपीओ में पॉलिसी में भेजा। आज हम लोगों ने उसको एक घंटे के अंदर ही वो कार्यवाही पूर्ण कर दी है। हम लोग सी काउंटर पे गए, सी काउंटर पे देयर वाज दिस पर्सन ऑन द C5 काउंटर वेयर एन ही स्टार्टेड, मुझे उन्होंने ज़बरदस्ती पता नहीं किस कारण उन्होंने मुझे बुरा लिया, मेरे से मेरी फ़ाइल मांगी। फ़ाइल देखने के बाद उन्होंने कहा, अच्छा आपकी वाइफ का नाम तन्वी सेठ है, आप अपना धर्म परिवर्तन करिए और नाम चेंज करिए और गोत्र मंत्र पढ़िए एंड फेरे लीजिए एंड तब उसके बाद ऐसा हो पाएगा।